वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे 1A का हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में 4 केस स्टडीज के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से GSTR A1 में आप पार्टीज का अमिटमेंट करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी केस स्टडी है वो ये है कि आपने कोई रॉन्ग बिल अपलोड कर दिया है GSTR 1 में और उसकी वैल्यू आपको सही करनी है। बात को समझना, वो बिल आपको रखना है, सिर्फ उसकी वैल्यू ही आपको अमिटमेंट करनी है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा बिल आपने GSTR 1 पे अपलोड कर दिया और वो आपको रखना ही नहीं है, तब उस केस में GSTR 1A में आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाएंगे। अभी हमारे इस केस में हमें सिर्फ एक सिंपल सा अमिटमेंट करना है। कैसे करेंगे, तो हमें क्लाइंट का GST पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पे जुलाई मंथ में 1A फाइल होगी, जुलाई सेलेक्ट करा, सर्च के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से 1A मेरे पास में आ जाएगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। मैं क्लियर कर दूं, 1A की कोई ड्यू डेट या लास्ट डेट नहीं होती है। 3B फाइल करने से पहले आप 1A फाइल कर सकते हैं, तो प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो सेम जैसे GSTR 1 का हमारा फॉर्मेट आता है, डिटो वो का वो रहेगा। मुझे इनवॉइस अमिटमेंट करना है, इसलिए मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और अमिटमेंट रिपोर्ट डिटेल पे क्लिक करूंगा। B2B का इनवॉइस है, इसलिए अमिटमेंट B2B इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे इनवॉइस नंबर डाल देना है, जैसे मेरा इनवॉइस नंबर है RET117। यहाँ पे अपडेट कर दूं, सिर्फ जुलाई मंथ का ही आप अमिटमेंट या एड न्यू कर पाएंगे, जुलाई मंथ के लास्ट के मंथ का किसी का भी नहीं कर पाएंगे। 1A में सिर्फ करंट मंथ का ही हम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अमिटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके मैं इनवॉइस नंबर के ऊपर आऊंगा, तो यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू है ये भी रॉन्ग टाइप हो गई है, और यहाँ पे मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी रॉन्ग टाइप हो गई है। इनवॉइस वैल्यू रॉन्ग हो गई है, तो उसको मैं सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है 524252.76। यहाँ पे मुझे सीधा आना है और इसके टैक्सेबल वैल्यू भी सही कर लेनी है, 444 और 282। ठीक है भाई, ये सही हो गया। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप अमिटमेंट करेंगे तो रिवाइज डेट और रिवाइज इनवॉइस नंबर मांगेगा, तो अगर आपको इनवॉइस नंबर और डेट में चेंज करना है तो वो भी कर दीजिए, अगर चेंज नहीं करना है तो डिटो आप वो का वो टाइप कर दीजिए। टाइप करना जरूरी है, अदरवाइज इनवॉइस सबमिट नहीं होगा। तो ये इनवॉइस नंबर सेम रखना है और जो डेट है वो भी मुझे सेम रखनी है। चलो भाई, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक कर लिया मैंने। डाउन करना है और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे इनवॉइस आ जाएगा। कई बार ये इनवॉइस पेंडिंग में रहता है तो आपको रिफ्रेश यहाँ पे कर लेना है, और काफी बार ऐसा भी हो कुछ एरर होगी तो वो एरर मैं आपको दिखा देगा। मेरे केस में कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं बैक के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउन आऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनवॉइस आ चुका है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन फिर रिफ्रेश पे क्लिक करके डाउन आऊंगा मैं, और प्रोसेस टू फाइल समरी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन मुझे डाउन आना है और सिंपली ये मैं डाउन आ चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। और आप देख भी सकते हैं ये प्रॉपर बता रहा है कि भाई टोटल वैल्यू आपने ये चढ़ाई थी, ठीक है, और इसके अंदर ये एडजस्टमेंट हुआ है आपका। अब यहाँ पे पूरी समरी आपको ये बता रहा है कि भाई आपके जो GSTR 1 का टोटल 76 लाख था और आपने -39 लाख कर दिया है, और अभी 36 लाख के समथिंग यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो प्रॉपर यहाँ पे 1 और 1A का एडजस्टमेंट होके यहाँ पे डेटा आएगा। मुझे ये डेटा पूरा अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, उसके बाद में फाइल स्टेटमेंट पे मैं क्लिक करूंगा। फिर हम यहाँ पे आई पे क्लिक करके OTP जनरेट करके रिटर्न फाइल कर देंगे। तो इस फाइल का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी फाइल के ऊपर चलते हैं। अब जो हमारी सेकंड केस स्टडी है, इसमें इशू दो टाइप्स के हुए हैं। पहला जो ये हुआ है कि B2C के अंदर वैल्यू एक्स्ट्रा अपलोड हो गई, यानी इसे यूं समझिए कि 12% में आपको 10 लाख रुपीज डालने थे और गलती से आपसे 12 लाख रुपीज हो गए, तो ये आपको एडजस्ट करने हैं। और दूसरा इशू ये है कि B2B के अंदर एक इनवॉइस है वो मिसिंग, यानी एक नया इनवॉइस आपको अपलोड करना है, तो ये किस तरह से होगा, तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने यहाँ पे क्लाइंट का पोर्टल ओपन कर लिया है, यहाँ पे GSTR 1A के प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम B2C का अमिटमेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे स्क्रॉल डाउन करना है, अमिटमेंट रिकॉर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे जो B2C स्मॉल है यानी अदर्स है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ मुझे स्टेट सेलेक्ट करके अमिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा शो हो रहा है, ये वो डेटा है जो मैंने GSTR 1 में अपलोड करा था। इसमें जो भी चेंजिंग करनी है वो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12% और जो 18% है इन दोनों की वैल्यू में मुझे चेंज करना है, और 5% और 28% में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो वो ध्यान रखना, अमिटमेंट का मतलब होता है अब ये है, अमिटमेंट से ना तो कोई वैल्यू ज्यादा होती है ना कोई वैल्यू कम होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे 12% के अंदर मैंने GSTR 1 में 18 लाख चढ़ाया, अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि 28 लाख चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे वैल्यू 10 लाख रुपीज लिखूंगा, यहाँ पे मुझे 28 लाख लिखना है। यानी अमिटमेंट का मतलब क्या होता है, अब ये है, ना कि आप एडजस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे नोट करें।
इसमें से कुछ वैल्यू लेस करनी है तो मैं टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 12% की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। सेम इसी तरीके से 18% की वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा। तो ये मैंने पूरा चार्ट अपडेट कर दिया है। फिर से रिपीट करूंगा, एडजस्टमेंट वैल्यू नहीं डालनी है। अब ये है वो वैल्यू यहाँ पे आपको टाइप करनी है। अब मैंने ये चेंजिंग करके मैं सेव पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुल हो चुकी है और जो भी वैल्यू मैंने चेंज करी उसका टोटल यहाँ पे आ रहा है। मुझे बैक करना है। अब एक बिल मुझे यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि जुलाई मंथ की जीएसटी R1 में मैं भूल गया था। तो उसके लिए अमिटमेंट में नहीं जाना है, ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा B2B। इस B2B पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे सिंपल जैसे मैं बिल चढ़ाता हूँ क्लाइंट का, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ये मुझे टाइप कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल ऐड कर दी है। अब इसके टैक्सेबल वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो इस इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू और बिल की पूरी इंटायर डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब मुझे स्क्रॉल डाउन करके इसको सेव करना है। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, मुझे स्क्रॉल डाउन करना है। अब अगर मुझे कोई और इनवॉइस चढ़ाना है तो मैं ऐड कर दूंगा, मुझे नहीं चढ़ाना इसलिए मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस प्रॉपर वे में आ चुका है और यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। अगेन मुझे बैक करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, B2B इनवॉइस में मैंने एक इनवॉइस ऐड किया है और यहाँ पे मैंने अमिटमेंट किया है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि आपको रिफ्रेश करना है, तो इस रिफ्रेश बटन के ऊपर मुझे क्लिक करना है। स्टेटस पे आप देख सकते हैं रेडी टू फाइल है, मुझे स्क्रॉल डाउन करना है। तो प्रोसेस टू फाइल समरी पे क्लिक करके मुझे OTP जनरेट करके ये रिटर्न फाइल कर देनी है। तो आई थिंक ये सेकंड केस स्टडीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बाकी अदर केस स्टडीज के ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं अब थर्ड केस स्टडी की बात करूं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा बिल अपलोड हो गया हो B2B के अंदर तो उसका क्या कर सकते हैं। देखो बी प्रैक्टिकल, अगर हमारा एक्स्ट्रा इनवॉइस अगर B2C अदर्स में अगर अपलोड हो गया हो तो अब तो हम अमिटमेंट कर लेंगे। लेकिन जीएसटी R1 के अंदर हमने B2B के हेड में ही कोई एक्स्ट्रा बिल अपलोड कर दिया है जिसे आपको चेंज नहीं करना है, तो उस केस में जीएसटी R1A के अंदर आप उसका क्रेडिट नोट अपलोड कर दीजिएगा जिससे वो इनवॉइस खत्म हो जाएगा। सेकंड केस स्टडी हमारी ये आती है कि अगर किसी इनवॉइस का हमें जीएसटी नंबर अमिटमेंट करना हो तो क्या करेंगे। तो मैं बता दूं जीएसटी R1A में तो पॉसिबल नहीं है, जो नेक्स्ट मंथ की जीएसटी R1 होगी उसके अंदर हम उस जीएसटी नंबर को अमिटमेंट कर लेंगे। अब आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा और ये एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज भी सुनते जाइए। यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज और देना चाहूंगा, 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। इंडिपेंडेंस डे के आसपास हमारा एक जबरदस्त सेल आ रहा है जिसमें आपको हमारे कोर्सेस के ऊपर 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ भाई सही सुना आपने, हमारे कोर्सेस के ऊपर इंडिपेंडेंस डे की सेल्स के अंदर 50% ऑफ का डिस्काउंट ऑफर आने वाला है। तो आप हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब चैनल से बकायदा जुड़े रहें, अपडेट्स का ध्यान रखें और ये सेल लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहेगी, तो इस बार आपको चूकना नहीं है। 50% डिस्काउंट का बेनिफिट आपको ऑप्ट करना ही करना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर।